विजय चौटाला जो है वो बार बार एक चीज फोकस कर रहे हैं। कौन कौन कौन? दिग्विजय चौटाला, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ 2019 में जाने के लिए तैयार थे। हाँ। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ जेजेपी, ऐसा इसमें मेरे को जरूरत नहीं, जो उस टाइम के चैनलों की सब खबरें निकाल कर देख लो, मेरे हनुमा अभी गई होंगी, मुझे वो देखे देख लो, जवाब अपने आप मिल जाएगा। सर उनकी क्या, आपको क्या लगता है, जिसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है मैं उसका क्या जवाब दूंगा? आई एम नॉट, लेकिन जो असलियत है वो चैनल में आ चुकी है। अरे पेंशन की पहले 2 लाख रुपए लिमिट थी, अब वो 3 लाख रुपए बढ़ाती है जो पेंशन इसकी। हाँ तो पहले काटी क्यों? हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई, हमारे टाइम में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी बेसिक 2 लाख थी, और कितने साल पहले थी, अब तक उनके बुढ़ापे पर ये कट लागू हो रहा था, अब चुनाव का टाइम आ गया तो 3 लाख कर दी है, इलेक्शन हाँ 9 साल हो गए इनको भाई। देखिए मंडी जो है आज पूरे हरियाणा की जो है खरीद बंद कर दी गई, क्योंकि ये जो लस्ट जो उसका उसकी वो है चमक, उसके बारे में लस्ट लॉस्ट जो है उसको उसको कभी बना रहे हैं, कभी मॉइस्चर का बहाना बना रहे हैं, ये किसानों के, क्योंकि किसान विरोधी सरकार है ये सबको मालूम है, पहले इतनी परेशानी है, अब एक बार बताओ इतनी बारिश हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है तो लस्टर तो ख़त्म होगा ही गेहूँ का, उसकी मॉइस्चर क्या नाम लिमिट बढ़ानी चाहिए, कम से कम 16% मॉइस्चर करनी चाहिए ताकि किसान की राहत मिले, राहत देने की बजाय और समस्याएं किसान के लिए पैदा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ये कहा है कि बीजेपी को के विरोध में किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, चाहे कांग्रेस हो या जेजेपी, बीजेपी को हराने के लिए। तो जेजेपी किसके खिलाफ विरोध में है? उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस से हाथ मिलाएं, चाहे वो जेजेपी से, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। चलो उनकी सबके अपना अपना वो है, हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं ही, कांग्रेस ही एक लोग जो है अल्टरनेटिव देख रहे हैं कांग्रेस को, और हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है आपके साथ हो सकता है? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देता नहीं मैं। सर जो महापुरुषों की जयंती है सरकारी खर्चे पे मनाई जा रही है, सरकार मना रही है, आप उस फैसले को ठीक मानते हैं? कौन महापुरुष? जैसे परशुराम जयंती मनाई, अब धन्ना, ठीक है, महापुरुष को तो फिर महापुरुष को तो सम्मान देना सामाजिक को काम है, क्या उनसे पूछो, हम तो जात पात की राजनीति करते नहीं कांग्रेस पार्टी, तो उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, तो उनसे पूछो भाई जो वो कर रहे हैं, तो उनसे पूछो। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है वो कोई जात पात की राजनीति नहीं करती। सर इनेलो जो यात्रा कर रही है उसे ये कहा जा रहा है कि अब प्रदेश में परिवर्तन होगा, देख रहे हो यात्रा से परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, कहने की बात ही नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती भाई। अब मुख्यमंत्री जो है गांव-गांव 8-9 साल के बाद उनके गांव को भी याद आ गई, उनको और चीज़ें भी याद आ गई, सब लोग समझते हैं जब चुनाव का साल होता है उससे पहले कोई कुछ कर ले, लोग मन बना चुके हैं हरियाणा के कि आपके 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग मन फैसला कर चुके भी है। विड्रॉ कर लिया उन्होंने, कहा उन्होंने वापस ले लिया अपने शब्द, कोई आदमी अपने शब्द वापस ले ले। मुख्यमंत्री सर ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो 3 C है, क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये तो है ही ना, वो अपनी बात बता रहे हैं, क्राइम में हरियाणा आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, आज मर्डर में नंबर 2 पूरे देश में, आज बलात्कार में नंबर 2 पूरे देश में, इस प्रकार से हर जो क्राइम, ये मेरी नहीं कही है, ये क्राइम रिकॉर्ड का जो है ब्यूरो उसकी रिपोर्ट है, और पब्लिक सेफ्टी के लिए हरियाणा 5 देशों में से हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक में, सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में, कानून व्यवस्था की कांग्रेस कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती, कांग्रेस ने तो सारे सबका सम्मान किया है, सबका काम किया है।
विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कोई कांग्रेस में एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा? एज का कैसे? कोई एज लिमिट रखी जाएगी जो टिकटार्थियों के लिए? हैं? टिकटार्थियों के लिए कोई एज लिमिट रखी जाएगी क्या? समझा नहीं मैं। मैक्सिमम मिनिमम एज पता है आपको? जितनी होती है उतना लड़ सकता है। मैक्सिमम क्या एज है? जो आदमी स्वस्थ होना चाहिए। सर गठबंधन पर आप भी सवाल उठाते रहे शुरू से ही, अब बीजेपी के और जेजेपी के दोनों नेता जो आपस में टिप्पणी कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, आपको क्या लगता है? ये गठबंधन थोड़ा, ये तो स्वार्थ बंधन था। गठबंधन कहाँ है ये? गठबंधन तो होता है कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो कोई। जब शुरू में ये हुआ इनका गठबंधन, जब ये कहा था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, और ये जो अपने विज साहब हैं अनिल विज जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, वो कहाँ है? तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ये जनहित में नहीं हुआ है गठबंधन। ये जनहित में नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन था। इसी यही हालत होती है, इसी वास्ते हर वर्ग इनसे विमुख है। गेहूँ जो हुआ है, बेमौसमी बारिश जो हुई है, जो नुकसान हुआ है, तुरंत गिरदावरी करा के और खरीद इमिजिएटली शुरू करनी चाहिए। किसानों के जो जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है किसानों के साथ, ये तुरंत इनको बंद कर देना चाहिए पहले उस समस्या में, और उनको समस्या में डाल रहे हैं। किसानों का कहना सर 50,000 की तो बात है जो करंट रेट ले रहे हैं, और मुआवजा जो है डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, उन्होंने कहा 15,000 मुआवजा मिलेगा जिसकी 75% से 100% फसल खराब हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि 50,000-40,000 रुपए तो बात देवज में ले रखी है। नहीं देखिए, मैंने कहा है 25 से लेके 50,000 तो फसल मुआवजा देना चाहिए, वो तो परसेंटेज कितनी होती है उसके ऊपर, कम से कम 25,000 और ज़्यादा 50,000 रुपया मुआवजा देना चाहिए नुकसान के हिसाब से। 15,000 तो ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार, जब हमारे समय में 12,000 था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना शेयर बढ़ा दिया, हरियाणा सरकार ने नहीं बढ़ाया, उनने तो अपना डेटा कर दिया, तो उस हिसाब से 15,000 होना चाहिए था, ये 12,000 दे रहे, क्योंकि हरियाणा ने अपना शेयर नहीं बढ़ाया कंपनसेशन में, वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना जो उनका देना देनदारी थी वो डेढ़ गुना कर दी, इन्होंने एक पैसा नहीं बढ़ाया, ये पहली सरकार जिसने घटाया हो कम किया हो। मौजूदा सरकार को हराने के लिए क्या प्रदेश में विपक्ष एकजुट हो सकता है? विपक्ष कांग्रेस है, और कौन विपक्ष दिखा है अंदर? यहाँ आप पार्टी की क्या हुए है? देख लिया ना आप पार्टी में आदमपुर में, यहाँ तो सिर्फ केवल कांग्रेस ही है, लोग ने अल्टरनेटिव कांग्रेस ही दिखी है, कांग्रेस की सरकार में नहीं। 11 अप्रैल दिया, पूरा मान सम्मान दिया है, रिजर्वेशन दिया है, हिसाब से दिया है क्लासेस को, जो उनका बताया हूँ दिया है, नौकरियों में रिजर्वेशन है और हर चीज़ में है। ये कह रहे हैं सरकार ने ऐसा बात नहीं है, काम किया है जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज अपराध में, बेरोजगारी में और कर्जे में नंबर एक हो रहा है। आज कर्जा जो है, कर्जा और देनदारी मिला के 4,00,000 करोड़ के करीब हो गया, जबकि कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए उन्होंने, कोई ऐसा दिखता नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है कि भी कोई विकास हुआ हो। लेकिन आप लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। तो लोग देखेंगे ना, लोग इसी बात की इंतजार कर रहे हैं, इस सरकार को दरवाजा लोग दिखाएंगे। उल्टा देखो पैसा कहाँ जाता है ये कोई पूछने वाला नहीं। पूछा जीएसटी कहते हैं हमारी बढ़ गई है, पूछा जीएसटी बढ़ गई है, देखिए जो है आपका ये इनका दावा है, कुछ
बढ़ोतरी भी है, जैसे GSDP कह रहे तू वो बड़ी है, वो तो 2.1 बड़ी है, और कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसके बजट से ज़्यादा जिसके ऊपर कर्जा है, 1,70,000 करोड़ अगर इसका कितना, 1,83,000 जिसका बजट है, कर्जा 4,00,000 करोड़, मतलब बजट कुल 1,83 का, बजट से ज़्यादा कर्जा है। ऐसा हरियाणा चंद प्रदेशों में से एक प्रदेश है। ये जो डिफरेंस है, आप कह रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बना सकता, तो बना वो कहां गया पैसा? बनाया तो बता दे तू, भाई तू तभी तुम तो हरियाणा में घूमता है ना, हाँ। कुछ बनाया हो तो बता दे। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैसा कहां गया? कर्जा भी बढ़ गया और वो इनकम भी इनकी बढ़ रही है और कर्जा ही बढ़ गया, तो बीच का डिफरेंस कहां है? बीच का डिफरेंस ये क्या, सड़क सारी रिपेयर दिखा दिए, सड़क में खड़े, अब ये तो सुना था मैं अक्सर सड़कों में खड्डे होते हैं, पर या तो खड्डों में सड़क है। हरियाणा में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, स्कूल बंद हो गए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए। क्या है पैसा आरएसएस के पास जा रहा है? ये तो उनसे पूछो आप, मैं तो कोई मतलब इनका कैशियर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कर्जा बढ़ा दिया और हरियाणा का बटा बटा दिया।